हेलो एवरीवन, आज फिर मैं लेके आई हूँ जीरो कॉस्ट मटेरियल DIY। मेरा नाम आरती झा है, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे बेकार पड़े कार्डबोर्ड से DIY। इसके लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड जो हम चाकू काट लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक पेपर, पेपर को हम ग्लू की सहायता से चिपका लेंगे। फिर हमें चाहिए एक लेस, आपके पास जैसी भी लेस हो आप अपने हिसाब से चिपका सकते हैं। मेरे पास रेड थी इसलिए मैंने रेड को ग्लू की सहायता से चिपका लिया है और बड़े ही इजी तरीके से चिपक जाती है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। इसे चिपकाने के बाद हमें चाहिए रेड कलर की ऊन, जो हम पेंसिल वाले फूल बोलते हैं हम उनको बनाएंगे। उन्हें बनाने के लिए हमें पेंसिल चाहिए या पेन चाहिए, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। मैंने एक पेन से बनाया है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा मैंने पेन के ऊपर लगाया और उसमें 30 राउंड लगा दिए हैं और उसको थोड़ा धीरे धीरे खिसका के एक नोट बांध दिया है ताकि फूल अच्छा होती। फिर चाहिए हमें गोल्डन कलर के मोती और ऐसे ही हम बहुत सारे फूल बना लेंगे। आप अपने हिसाब से बना लेना आपके में जितने फूल लगे, और हम साइड साइड से चिपका देंगे। तब तक मैं फूल चिपका रही हूँ, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। उसके बाद हमें चाहिए एक पर्दे वाली रिंग जिसमें हम येलो कलर की ऊन भरेंगे। जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप ऐसे ही ऊन भर सकते हैं। और आपके पास पर्दे की रिंग नहीं है तो आप छोटा सा कार्डबोर्ड का काट सकते हैं, नहीं तो मोटा वाला कंगन ले सकते हैं छोटा सा बच्चों का। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वही ले सकते हैं। ऊन भरने के बाद हमें चाहिए छोटे बड़े मोती, वाइट कलर के बड़े मोती हैं और गोल्डन कलर के छोटे मोती हैं। उसे हमने धागा की मदद से स्टिच कर दिया है ताकि मजबूती से चिपके। आप अपने हिसाब से चिपका सकते हैं। और हमें चाहिए एक कैंडल जो हम रिंग के बीच बीच में रख देंगे और उसको जलाएंगे। लो, बन गया हमारा दिया स्टैंड। आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।